नमस्कार भाइयों, ये देखिए वाटर रिचार्ज के लिए बोरिंग करवाई हुई है। रात को गौर माणा रमाणी में, जो हरियाणा करनाल जिले का है, भयंकर बारिश हुई थी यहाँ पर और जिमीदारों की फसलें डूब चुकी हैं। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। हमने फेसबुक पे पहले देखा था, किसी सरदार जी ने वीडियो डाल रखा था वाटर रिचार्जिंग का, तो उसको देखकर हमने भी अपने खेत में वाटर रिचार्ज करने के लिए बोरिंग करवाया है। ये देखिए लगभग एक मोटर के बराबर का पानी इस बोरिंग में जा रहा है। अगर ये 24 घंटे ऐसे ही चलता रहता है तो हजारों लीटर पानी इकट्ठा किया जा सकता है। हमारी किसानों से यही गुजारिश है कि जो खेत नीचे हैं, जहां पर पानी इकट्ठा होता है बारिश का, वहां पर ये बोरिंग करवाए जाए और वाटर लेवल को ऊपर लाया जाए। बीजेपी सरकार को हमने समर्थन दिया है। बीजेपी सरकार भी काफी गहनता से इस चीज के पीछे पड़ी हुई है कि वाटर लेवल को बचाया जाए, किसी तरह भी बचाया जाए। ये देखिए जो किसान भाई हैं नरेंद्र कुमार कंबोज, इन्होंने अपने खेत में वाटर लेवल के लिए ये बोरिंग करवाया है। लगभग इस टाइम धान में 2 से 2.5 फुट पानी भरा हुआ है, धान सारा डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। इस भाई ने पिछले साल ये बोरिंग करवाया था, पिछले साल भी लगभग इस भाई की 7-8 एकड़ फसल थी जो डूबी हुई थी, और उसको वाटर इस बोरिंग की वजह से फसल को बचा लिया गया था। इससे वाटर लेवल भी ऊपर आता है और किसान भाई की फसल भी बचती है। अतः आप सब किसान भाइयों से गुजारिश है भी जो जिस किसान भाई के खेत नीचे हैं, जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है, वहां पर बोरिंग करवाया जाए और वाटर लेवल को भी ऊपर ले आया जाए, ताकि किसान भाई की फसल भी बच सके और वाटर भी ऊपर आ सके। सरकारों से मुआवजा मांगने की बजाय खुद रिचार्ज वाटर लेवल करें और वाटर ऊपर आएगा, इससे फसल भी बचेगी और जिमीदार की फसल खराब भी नहीं होगी, और सरकार को भी इस चीज का फायदा है कि वाटर ऊपर आ रहा है। हमें सरकार से भी गुजारिश है कि जो नीचे एरिए हैं उनमें सरकारी पैसे की मदद से भी 2-4 बोर करवाने चाहिए, ताकि किसानों का भी फायदा हो और सरकार का भी फायदा हो, ताकि वाटर लेवल नीचे ना जाए। धन्यवाद।